सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय गेमिंग चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ब्लू स्टैक्स में आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमोट कैसे फास्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे भी तेज़ सिर्फ एक ही की दबाने से आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो अगर मेरे चैनल पर नए हो, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो गाइस, ब्लू स्टैक्स को ओपन कर लें और इसको जल्दी से कैसे आप इमोट को यूज़ कर सकते हैं उसका मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग में एंटर होकर मैं आपको सब स्टेप्स बता देता हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में दो कीज़ के साथ मैंने बताया था कि वो किसी भी इमुलेटर में काम करता है, लेकिन ये वाला जो है ब्लू स्टैक्स या फिर MSI ऐप प्लेयर, इन दोनों में काम कर सकता है। तो हम यहाँ पर इसको इमोट वाला पेज ओपन कर लेते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने इमोट वाली सेटिंग लगाई हुई है, देखिएगा ये देखिए कितनी स्पीड, सिर्फ एक की दबा रहा हूँ और ये इमोट लगी जा रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो इमोट का बटन मैं शो कर देता हूँ पहले आपको, ये इमोट। तो गाइस, ये इमोट का बटन यहाँ पर है, इसको आपने क्लिक करके ओपन रखना है और यहाँ से आपने अपनी की मैपिंग ओपन कर लेनी है। और गाइस, ये देखिए ये वाले जो ऑप्शन है ये मैंने कैसे लगाए हैं, तो ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो गाइस, अब इमोट कैसे सेट करें वन की पर, तो सबसे पहले इमोट पर आपने वो की रखनी है इन इमोट के हिसाब से कि आप कौन सा इमोट चलाना चाहते हैं। तो मैं F3 पर एक इमोट चलाऊँगा और दूसरा इमोट भी चलाऊँगा, तो F4 एक और की लेकर इसके ऊपर ही रख देता हूँ, और F3 F4 दो इमोट इस की पर सेट हो जाएंगे। तो गाइस, ये सिंपल कीज हमने डाल दी हैं, और अब हम यहाँ पर रिपीटेड टैप इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, जब ये क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बटन आ जाएगा, और यहाँ पर आपने यहाँ पर F3 दबाए रखा था मैंने, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी F3 रख दूँगा, और ये इमोट यहाँ पर आपने इसको बढ़ा कर 15 कर देना है, ये 15 कर दिया। और यहाँ पर गाइस, ये लॉन्ग प्रेस होगा, इसको आपने टैप पे ज़रूर करना है वरना सही नहीं होगा। तो रिपीटेड टैप एक बार फिर से लगाता हूँ इसी मोड पर, इसको मैं कर देता हूँ 15। और यहाँ पर मैं यहाँ पर F4 भी रखा था, और यहाँ पर मैं इसको F4 लिख देता हूँ इस पर, और इसको भी टैप पे कर देंगे और सेव। गाइस, इतना छोटा सा काम था, और अभी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस, ये देखिए पूरा काम हो रहा है, दोनों ही इमोट्स में, ये देखिए पहला इमोट F3 बटन पर और ये दूसरा इमोट F4 बटन पर। तो गाइस, इस तरह आप जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हो, और पता है कि जल्दी इमोट का ये फ़ायदा है कि हेडशॉट बहुत अच्छा लगता है, इमोट लगा कर हेडशॉट आराम से लग जाता है। तो गाइस, ये इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप इस तरह जल्दी से इमोट यूज़ कर सकते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो। तो थैंक्स गाइस।